हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस हमें ओनली 2 मैच और जीतने हैं भाई साहब। अगर हम लोगों ने 2 मैच जीत लिए तो भाई साहब हम करेंगे रैंक 1, और रैंक 1 करने के बाद भाई साहब स्कोर देखा जाएगा और स्कोर बेस पर मिलेगी हमें ग्लोबल रैंक। तो कोशिश करने वाले हैं भाई साहब इन 2 मैचेस को आराम से हम लोग जीत लें, और हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो क्योंकि भाई साहब सर में थोड़ा थोड़ा भाई दर्द हो रहा है, तो ज्यादा अटैक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को अपने 2 लाइव अटैक्स दिखाने वाला हूं, मेरे 2 अटैक बचे हुए हैं, और बाकी बीच में आप लोगों को कुछ अटैक्स दिखा दूंगा और लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे रिजल्ट। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करो यार सब्सक्राइब करो। गाइस ये रही CWL आप लोगों के सामने। हम लोग यहाँ पर 7 अटैक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और भाई साहब 7 अटैक्स में हमारा स्कोर है 15 स्टार्स। गाइस टोटल हम लोगों ने 2 ट्रिपल यहाँ पर मार रखे थे, लेकिन भाई साहब गोहिल ने कर दिया कि यहाँ पर 1 स्टार, तो उसकी वजह से भाई थोड़ा सा स्कोर हमारा कम हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं ट्राई करने वाला हूँ 3 स्टार निकालू, और भाई साहब जो 1 स्टार हुआ ना उसको थोड़ा सा रिकवर कर दे। तो मेरे को अभी अटैक करना है बेस नंबर 3 पर, और 9 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स लेकर मैं आया हूँ इस बेस पर। तो अभी फिलहाल देखते हैं भाई 3 स्टार होगा या नहीं होगा, वो तो अभी देखो पता लग जाएगा थोड़ी सी देर में। तो FF के साथ देखो मेरे को ना यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो चाहिए, और प्लस भाई साहब साथ में चाहिए एयर डिफेंस, और इधर का फनल हम लोग बना लेंगे बेबी ड्रैगन से, और स्वीपर हमने तोड़ दिया क्योंकि भाई साहब हम आने वाले हैं CC की साइड से इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ, तो वो स्वीपर दिक्कत देता है काफ़ी टाउन हॉल तक पुश करने में। तो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ मेरे को निकालना है अभी टाउन हॉल। अब देखते हैं भाई टाउन हॉल जो है वो निकल पाएगा या फिर नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ। तो फिलहाल इधर भाई साहब FF जो है ना वो एयर डिफेंस को टारगेट कर रहा है अभी, तो अभी यहाँ पर हम लोग अपने बेबी ड्रैगन को उतार सकते हैं क्योंकि एयर डिफेंस यहाँ पर डाउन होने वाला है। चलो भाई हमारा बेबी ड्रैगन फनल बना देगा। अब बारी आती है अपनी मेन आर्मी की, तो भाई साहब अब बिल्कुल सही से अपनी आर्मी को हम लोग उतार देते हैं क्योंकि फनल वगैरह हमारा हो चुका है। चलो भाई हीरोज़ को ऑल्ड रखेंगे, हीरोज़ नहीं डालेंगे अभी, अभी बस आर्मी डालिए, आर्मी को थोड़ा पुश करवा लेते हैं। तो अर्ली वॉर्डनेबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि भाई डैमेज आ रहा है। चलो भाई साहब सही हो गया, काफ़ी सही जा रहा है अटैक अभी, एंड लग तो रहा है कि भाई हो जाना चाहिए। चलो बस ये मोनोलिथ निकल जाए ना जल्द से जल्द तो काफ़ी सही हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं अभी क्या रहता है। अब हीरोज डाल दिए मैंने क्योंकि इधर फनल चाहिए हीरोज के साथ आगे का। चलो भाई टाउन हॉल को निकालना है इसलिए मैंने रेज लगाई है, एंड यहाँ पर ये फ्रिज डाला यार। अब 1-2 फ्रिज है यार, मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरी ये फ्रिज बच जाए, डालना ना पड़े टाउन हॉल पे। चलो भाई फाइनली हो गया, बस ये मल्टी अब जल्द से जल्द निकलना चाहिए, एंड यहाँ पर भाई साहब हीरोज की एबिलिटी बच चुकी है मेरे पास, रॉयल चैम्पियन की भी एबिलिटी है अभी, और FF के अंदर भाई CC जो है वो अभी तक बाहर आई नहीं है। ठीक है FF के साथ हमने काफ़ी तगड़ी वैल्यू निकाली है भाई इधर से। चलो भाई सही चल रहा है अटैक, किंग अपना बाहर आ गया, क्वीन अंदर चली गई, चलो सही है। रॉयल चैम्पियन है भाई उसको भी डालना पड़ेगा क्योंकि इधर अपनी क्वीन जो है ना वो मर सकती है, स्कैटर शॉट है यार इधर भाई। रॉयल चैम्पियन किंग के साथ ही सही है यार, यार डायरेक्ट, अरे यार मेरे को ना स्कैटर शॉट पे देनी चाहिए थी डायरेक्ट, क्वीन बच सकती थी बट यार उस टाइम दिमाग में आया नहीं। चलो कोई नहीं अभी भी अटैक पावरफुल जा रहा है क्योंकि हीरोज तो बच चुके हैं अपने, रॉयल चैम्पियन है उसके पास एबिलिटी है। वॉर्डन प्लेटफॉर्म डाउन हो गया, काफ़ी सही हो गया यार। मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार टाइम का पंगा है भाई, किंग भी बच चुका है, रॉयल चैम्पियन बच चुकी है, लेकिन टाइम कम लग रहा है यार क्योंकि भाई रॉयल चैम्पियन जो है ना इधर से ही ट्रेस को डाउन करना चालू करेगी, और भाई टाइम इतना है नहीं एंड तक पहुँचे। तो मैं RC एबिलिटी होल्ड करता हूँ जितनी हो सकती है, लास्ट में एबिलिटी यूज़ करेंगे और देखते हैं भाई क्या रहता है। यार 5 चीज़ें बची हुई थी, शिट फिर भी यार टाइम फेल हो जाता, क्या करें यार 99% हुआ यार। ये अटैक देख रहे हो भाई, इतना सही अटैक करा और भाई 99 फेल हो गया यार। अगला अटैक मेरे को हर हाल में अब 3 करना पड़ेगा। स्कोर देख लो यार, स्कोर हुआ यहाँ पर हमारा 8-17 हो गया। चलो भाई देखते हैं अगला अटैक, भाई फुल ट्राई करते हैं यार 3 के लिए। अच्छा गाइज मेरे को अटैक करना है बेस नंबर 2 पर, आओ चलते हैं, फिर से इलेक्ट्रो ड्रैगन है। अब देखते हैं भाई क्या रहता है, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। भाई पिछला वाला यार क्या ही टाइम फेल हुआ यार, दिमाग ख़राब हो गया। अगेन से भाई FF यूज़ किया है, ठीक है इस बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यार टाइम का ना। चलो भाई देखते हैं अभी, FF के अंदर यार टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए भाई क्या ही बोले, कुछ बोल भी नहीं सकते यार। FF
के साथ ही अटैक करना सही है इन बेसों पे, बिना एफएफ के अटैक करना भी सही नहीं है ना, वो भी एक दिक्कत है। चलो भाई इधर से एयर डिफेंस आपको मिलना चाहिए और बेबी अपना प्रॉपर फनल यहाँ बना देगा। चलो भाई फनल तो भाई देखो अच्छा बन गया है अपना लगभग, बस ये एयर डिफेंस निकल जाए और अपनी आर्मी डालने का टाइम हो चुका है लगभग, बस ये एयर डिफेंस चाहिए अपने को ना। चलो भाई ये भी हो ही जाएगा, बस एक शॉट और देना एफएफ को, काम हो जाएगा आर्मी, इसलिए मैं डाल रहा हूँ अपनी। चलो भाई इधर से आर्मी बलून वार्डन, चलो भाई काफ़ी सही है। वार्डन एबिलिटी टीएच पे लाना है डायरेक्ट, टाउन हॉल जमाना पड़ेगा क्योंकि इनवी टावर है भाई, टाउन हॉल को गायब कर देगा वरना। चलो भाई साहब अगेन से जमाया, रेज लगी है और इधर आ गई अपनी वार्डन एबिलिटी। अब यार मोनोलिथ डाउन होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इनवी टावर तो गायब कर देगा यहाँ पे इसको। भाई 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 फ्रिज डालना पड़ा क्योंकि गायब हो गया था यार मोनोलिथ, भाई मोनोलिथ चाहिए वो तो सही है, मैंने रेज लगा के नहीं रखा वरना इलेक्ट्रो आगे भाग जाते। चलो भाई शायद मोनोलिथ डाउन हो जाए, सुपर मिनियन मैंने स्कैटर शॉट के लिए डाले क्योंकि यार वो ना हमारी क्वीन को मार सकता था स्कैटर शॉट जो है। बस यार ये सही हो गया, ईगल निकल गई यार, काफ़ी सही हो गया। एक रेज है इसको इलेक्ट्रो पे लगाया मैंने क्योंकि उधर का मैं मल्टी लेना चाहता हूँ, और अगर रेज नहीं लगाता ना तो शायद ये मल्टी मेरे को नहीं मिलता जो अभी मिल रहा है। चलो भाई लगभग बेस मैंने पूरा कवर कर दिया है, एक हेड हंटर है मेरे पास, एक आर्चर है, और हेड हंटर की तो नीड पड़ेगी नहीं क्योंकि रॉयल चैम्पियन तो डाउन हो चुकी है क्वीन एबिलिटी में। चलो अपनी रॉयल चैम्पियन आ गई, ये एक्सबो को देख लेगी इधर से, और भाई साहब काफ़ी सही अटैक हो गया इधर से। अब हम इसको डालेंगे भी नहीं ना हेड हंटर और आर्चर को, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत है। और गाइज ये तो कर दिया भाई हम लोगों ने, ये 3 स्टार है भाई। पिछला वाला अटैक भी यार हमारा ना 3 स्टार हो सकता था गाइज, पता है आप लोगों को यार, टाइम का पंगा आ गया उधर ना, बस यार क्या ही बोले यार, मेरे को थोड़ी पता था यार उसमें टाइम फेल हो जाएगा यार, दोनों ट्रिपल लगते ना काफ़ी सही हो जाता। स्कोर देख लेते हैं, स्कोर हो गया यहाँ पर 9-20, ठीक है अभी सही है। अभी देखो 6 अटैक है भाई अपना, हमारे बंदे भी देखो यार कुछ ना कुछ तो करेंगे इधर से। चलो भाई हमारा बंदा आ चुका है इधर अटैक करने के लिए, देख लेते हैं इसको क्या कर रहा है। ये कर रहा होगा यहाँ पर सुपर आर्चर फिल्म कर रहा है, यही बोलने वाला था, इसी के साथ कर रहा होगा। चलो भाई देख लेते हैं इस अटैक को। फिलहाल यार बेस देखा जाए ना तो काफ़ी चिपकी चिपकी सी चीज़ें रखी हुई हैं, और ऐसे बेस के ऊपर तो इलेक्ट्रो ड्रैगन किया जाता है, बट इधर हो रही है सुपर आर्चर फिल्म, क्योंकि देखो काफ़ी क्लोज यहाँ पर डिफेंसेस रखें तो वैल्यू तो काफ़ी अच्छी मिलेगी सुपर आर्चर फिल्म के साथ। चलो देखते हैं, टाउन हॉल को तो इग्नोर कर रहे हैं, शायद टाउन हॉल को हीरोज़ के साथ निकालेंगे। चलो अभी पता लग जाएगा क्या सीन रहता है। डबल क्लोन रेस डाल दिया है, एनवी डाल दिया है, नाइस। वैल्यू कितनी मिलेगी वो देखते हैं भाई साहब, 17% की वैल्यू आ चुकी है, 19% की वैल्यू आ चुकी है भाई। सिंगल मिल गया, क्वीन मिल गई, स्कैटर शॉट मिल गया, नाइस। 26% भाई, और कितना मिलेगा, 28% हो गया, और ये हो गया इधर कितना भाई साहब, 30% की वैल्यू, मज़े ही आ गया भाई साहब। अभी देखते हैं कि ये टाउन हॉल को कैसे लेगा, टाउन हॉल लेना है भाई इसको, बेबी ड्रैगन डाला है, ठीक है। एंड आगे क्या करेगा, किंग एंड क्वीन है, रॉयल चैम्पियन है, अब इसको टाउन हॉल निकालना है, टाउन हॉल कैसे निकालेगा वो देख लेते हैं। आइस गोलम है यार, पहले डालना था इसको अपना आइस गोलम, किंग आता आइस गोलम के ऊपर, उस टाइम हेड हंटर यूज़ करता, अभी क्वीन एबिलिटी यूज़ हो जाएगी यार। भाई टेस्ला भी है उधर यार, क्वीन को डैमेज मिल गया, क्या कर दिया भाई, पहले आइस गोलम डाल लेता यार। भाई टाउन हॉल आ जाए, टाउन हॉल मिस मत कर दियो, क्वीन बाहर जा रही है यार, किंग बाहर जा रहा है, आरसी आ गई डायरेक्ट। चलो शायद आरसी इधर से निकाल दे टाउन हॉल को, एक स्केली आई, कुछ बलून्स भी डाल दिए हैं भाई क्योंकि उधर डैमेज आ रहा है यार रॉयल चैम्पियन के ऊपर। ओ भाई साहब, भाई अगर ये बलून नहीं डालता यार टाउन हॉल मिस हो जाता गाइस। भाई साहब सही हुआ इसने बलून्स डाल दिए, और उसके बाद स्पेल भी नहीं थी कोई, ये 1 स्टार हो सकता था। चलो भाई इसने यार कम से कम 1 स्टार नहीं किया, ये सही है यार, 1 स्टार यार हमारे क्या ही बोलूँ यार, 1 स्टार ना बहुत दिक्कत है यार 15 पे, एक तो 1 स्टार लग नहीं रहे थे, अभी लगना चालू हुए हैं, पता है आपको हमारे बंदों ने इस बार बहुत कम 1 स्टार किए हैं, इसलिए हमारा स्कोर अच्छा रहा है अभी तक। ड्रागो आ चुका है अटैक करने के लिए, और ये कर रहा है अपना बिलियार्ड, ला लो टाउन हॉल पे किया इसने बिलियार्ड, ओके। चलो अभी देखते हैं, काफ़ी सारे बॉम्ब निकले इधर लेकिन क्या ही फ़ायदा हुआ,
वैल्यू तो भाई वो ले गया, उसके बाद में लिख ले बॉम्ब। चलो भाई क्वीन डालिए, क्वीन को किधर ले जाएगा भाई, मोनोलिथ मोनो नहीं, मल्टी में ले आएगा शायद क्वीन को। ठीक है मल्टी में क्वीन आएगी, और इधर से किंग भी डाला है ताकि डैमेज जो है ना वो किंग झेले, और क्वीन जो है ना वो आराम से भाई डिफेंसेस को झेलती रहे, मतलब डाउन करती रहे इधर से। चलो भाई देखते हैं अभी क्या रहता है, किंग के पीछे क्वीन है। चलो भाई साहब इधर काफ़ी सही चल रहा है, किंग एबिलिटी मारनी पड़ेगी भाई साहब। इधर जमा दिया उसको, मोनोलिथ को जमा दिया, क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था इधर। यार मल्टी आ जाए, काश आ जा। लालो चालू कर दिया अर्ली, वार्डन डाल दिया। अरे वार्डन एबिलिटी यूज़ कर दी, अच्छा जी इतनी जल्दी। यार मल्टी मल्टी क्वीन, पागल क्वीन ले गई ले गई, मेरे को लगा मिस करेगी। यार वार्डन एबिलिटी बची होती, काश यहाँ पे चाहिए थी इसको वार्डन एबिलिटी, बट क्या करे यार नहीं है तो नहीं है। चलो भाई इधर से यार फेल ही लग रहा है मेरे को ना, क्योंकि मोनोलिथ बचा हुआ है, देखते हैं कितना खेच पाएगा। चलो एटलीस्ट यार 2 स्टार तो हो ही गया ना, चलो 2 स्टार आ जाएगा। भाई क्या हो रहा है यार, बंदों को भाई मार ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या सीन है भाई, आज तो अलग ही लेवल खेल रहे हैं ये भाई। ये इसने भी अटैक फेल कर दिया, टाउन हॉल नहीं मिला उसको, और इधर यार थोड़ी सी हीरो सुई में दिक्कत आ गई, ये अटैक भी फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैं वापस से ऑन आया हूँ, और अभी देखो भाई साहब इधर अपनी मैच एंड हो चुकी है, और भाई यहाँ पर 15 अटैक्स में 33 स्टार्स हम लोग कर पाए, मतलब कि आज हमारे बंदे भाई बिल्कुल नूब बनकर खेले हैं। चलो कोई बात नहीं, मैच हम लोगों ने जीत ली है, अब हमारी बची है लास्ट मैच। लास्ट मैच डिसाइड करेगी कि भाई कौन करेगा रैंक 1 और कौन कितना मारेगा ग्लोबल रैंक। तो अगली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा, इसलिए भाई साहब जो बंदे बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को भाई साहब लाइक करना अगर लाइक नहीं किया है तो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।